हेलो फ्रेंड्स, मैं सुहास देशमुख और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अर्थ इनिशिएटर्स पे। और आज हम लगाएंगे मल्टीपल पौधे एक सिंगल पॉट में। बेसिकली सवाल ये है कि क्या हम एक पॉट में अलग अलग पौधे लगा सकते हैं? तो उसका आंसर है डेफिनेटली हाँ, हम एक पॉट में अलग अलग पौधे डेफिनेटली लगा सकते हैं। क्योंकि आप नेचर के बारे में सोचिए कि जो नेचर है, जो जंगल है, तो जंगल में ऐसा कभी नहीं होता कि जंगल नेचर ये नहीं कहता कि मैं जो सारे फल वाले पौधे हैं वो उस कॉर्नर में लगाऊंगा, सारे फूल वाले पौधे उस कॉर्नर में लगाऊंगा और सारे काटो वाले पौधे इस कॉर्नर में लगाऊंगा। ऐसा जंगल में कभी होता नहीं है। जंगल एक रैंडम चीज़ है और मुझे लगता है कि वो रैंडम चीज़ ही बहुत खूबसूरत है। तो आज हम लगाएंगे एक पॉट में 10 प्लांट्स। बेसिकली ये हमारा आज का पॉट है, ये प्लास्टिक का पॉट है जिसका मेजरमेंट है ये 20 सेंटीमीटर बाय 45 सेंटीमीटर इसका मेजरमेंट है और ये रेक्टेंगुलर पॉट है। सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो है कि हमारे पॉट में इनफ ड्रेनेज होल्स हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 10 ड्रेनेज होल्स बनाए हुए हैं ताकि जो पानी है वो अच्छे से निकल सके बाहर। आज हम जो पौधे लगाएंगे वो एक बार देख लेते हैं। दोस्तों ये है मदर ऑफ मिलियंस, ये है ऑफिस टाइमिंग्स, ये मनी प्लांट है जिसको एलिफेंट एयर भी कहा जाता है, ये है बास्केट प्लांट, ये है स्पाइडर प्लांट, ये है चाइनीज रोज, ये आम का पौधा है जो हमने सीड से ग्रो किया हुआ है, ये कैक्टस का एक वैरायटी है, ये भी कैक्टस का एक अलग वैरायटी है और ये है, इसका नाम मुझे नहीं पता है। तो सबसे पहले आप कोई भी ख़राब कपड़े का एक टुकड़ा लीजिए और सबसे नीचे वो कपड़ा डालिए। तो गाइस, ये हमने 10 अलग अलग पौधे एक पॉट में लगा दिए हैं और ये बहुत खूबसूरत दिख रहा है। ये वीडियो कैसे लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए और इसका 10 दिन के बाद का एक जो अपडेट है वो मैं आपको दूंगा। तो चलो फ्रेंड्स, थैंक यू।